नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। नीतीश का संघ से सियासी इश्क पुराना, तीन पॉइंट में नीकू चाकी प्लानिंग समझिए। बिहार के सियासी फिजा में रामचरितमानस पर राजनीतिक चौपाई अभी भी जारी है, उससे एक कदम आगे बढ़कर मंडल कमंडल की कहानी भी गूंजने लगी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सर संचालक और बंच ऑफ थॉट्स के लेखक माधव सदाशिव गोलवलकर के लालू यादव हमेशा आलोचना करते रहे। ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल के संविधान में आरएसएस का विरोध पहली पंक्ति में दर्ज है। राजस्व प्रमुख लालू यादव के अलावा प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी ऐसे ही विचार रखते हैं। रामचरितमानस पर हुए विवाद के बाद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने यहां तक कह दिया कि वे झुकना और माफी मांगने वाले नहीं है। उनके समर्थन में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी उतर गए। शिक्षा मंत्री सहित जगदानंद सिंह पर भी अब पूरे बिहार की अदालतों में आए दिन परिवाद पत्र दायर हो रहे हैं। खैर, हम बात आरएसएस की कर रहे थे। 16 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एबीपी न्यूज चैनल के एक प्रोग्राम में संघ की जमकर तारीफ की। उन्होंने संघ की तारीफ में बहुत कुछ कहा था। उन्होंने एबीपी के कार्यक्रम में कहा था कि मैं तो इमरजेंसी में गया जेल में बंद था, छात्र जीवन से आरएसएस को जानता हूं। जब मीसा कानून में गया शहर जेल गया तो वहां गोविंदाचार्य से भेंट हुई थी। नीतीश ने आरएसएस को लेकर पहले दिए गए बयान को विस्तार से आगे बताएंगे। उससे पहले समझिए कि नीतीश संघ से सॉफ्ट कॉर्नर क्यों रखते हैं। नीतीश के आरएसएस और बीजेपी के अन्य नेताओं की गाहे बगाहे तारीफ किए जाने के मामले पर सटीक प्रतिक्रिया देते हुए वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद दत्त कहते हैं कि बशीर बद्र का एक प्रसिद्ध शेर है, दुश्मनी जमकर कर लो लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाए तो शर्मिंदा ना हो। प्रमोद दत्त कहते हैं कि नीतीश कुमार दोनों दरवाजे खोल कर रखना चाहते हैं, जैसी परिस्थिति होगी वैसा देखा जाएगा। उन्हें पता है कि सिर्फ मुस्लिम वोटों से कुछ नहीं होगा, हिंदुओं का साथ रखना जरूरी है। नीतीश कुमार गुलाम रसूल बलियावी और आरजेडी के चंद्रशेखर के बयान से आहत है। नीतीश इन विवादों से अलग अपना चेहरा पूरी तरह क्लीन रखना चाहते हैं, इसलिए नीतीश कुमार पहले कई बार संघ की तारीफ कर चुके हैं। जिस कार्यक्रम की बात आप कर रहे हैं उस कार्यक्रम को मैंने भी देखा था, जिसका प्रसारण 16 जनवरी 2019 को हुआ था। वहीं दूसरी ओर बिहार की राजनीति को नजदीक से समझने वाले जेडीयू के पूर्व वरिष्ठ पत्रकार नवल शर्मा कुछ और कहते हैं। उनका कहना है कि महागठबंधन अलग अलग विचारों वालों का बेमेल गठबंधन है। ये लोग सत्ता की चाशनी भोगने के लिए इकट्ठा हुए, ये सभी दल स्वतः सुखाई की राजनीति करते हैं। इस तरह की राजनीति में हितों का टकराव होना स्वाभाविक है। नवल शर्मा कहते हैं कि नीतीश कुमार की राजनीति केवल अपने पर केंद्रित रही है। नीतीश की पुरानी फितरत रही है इस्तेमाल करना और फेंक देना।